चलिए आगे बढ़ेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुंबई से एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज बैठक बुलाई है। राज ठाकरे ने बुलाई कार्यकर्ताओं समर्थकों की बैठक, बैठक में एनडीए में जाने का ऐलान हो सकता है, ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली में अमित शाह से राज ठाकरे ने मुलाकात की थी और उसके बाद से ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। तो बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज ये ऐलान संभव है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आज बैठक बुलाई है और आज का दिन खास है क्योंकि आज कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ ये बैठक बुलाई है और बैठक में एनडीए में जाने का ऐलान संभव है। राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात भी की थी बीते दिनों, आपको याद होगा वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी और उसके बाद से ही ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई थी और अब आज ये बैठक भी बुलाई गई है। कार्यकर्ता समर्थक इस बैठक में होंगे मौजूद और इस बैठक के बाद हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण ऐलान निकलकर सामने आए। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तारीखों की घोषणा हो गई है, पहले चरण के लिए कल नामांकन हो गया है और अभी भी दल बदल की पाले बदल की राजनीति लगातार जारी और ऐसे में अब एक और बड़ा ऐलान हो सकता है। बैठक में एनडीए में जाने का ऐलान कर सकते हैं राज ठाकरे। अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई थी, एनडीए में शामिल होंगे राज ठाकरे और आज के ऐलान संभव। आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की मुंबई से, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ में इस बैठक को बुलाया गया है। लोकसभा चुनावों की रणनीति के ऊपर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, एक तरफ जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बैठक बुलाई है, वहीं यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा भी बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के साथ में ही चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में फिलहाल चुनावी रणनीतियां पार्टियों के द्वारा बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां पर तमाम पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों को बुलाकर रणनीति के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनावों के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से संवाद जनता के साथ में ज्यादा से ज्यादा साधा जाए और प्रत्याशियों को किस तरीके से मोटिवेट करके जीत का मंत्र दिया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव बेहद निकट, ऐसे में रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नेताओं, विधायकों और सांसदों को आमंत्रित इस बैठक में किया गया है। लोकसभा चुनावों के ऊपर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। और इस बीच आपको उस वक्त की एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बताएं। 48 लोकसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी का फॉर्म मिलाता है। आज एमवी की बैठक के बाद आधिकारिक ऐलान होगा, घोषणा होगी। शरद पवार के घर सिल्वर ऑक पर एमवी की बैठक होगी आज सुबह 10 बजे मुंबई में, औपचारिक ऐलान होगा। शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 20 और कांग्रेस 19 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सहमत नजर आ रही है। एनसीपी शरद पवार गुट को 9 सीटें पर देने पर फिलहाल सहमति बनी। इसके अलावा ये भी आपको बता दें, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बीबीए को फिलहाल आमंत्रित नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त हम बता रहे हैं। और ऐसे में देखिए, एमवीए का जो फॉर्मूला है वो तय माना जा रहा है और बड़ी खबर ये है कि आज दरअसल ऐलान हो सकता है, औपचारिक ऐलान अब होना बाकी क्योंकि लगातार मंथन ना कई दिनों तक चला, लगातार बैठकें हो रही थी। 48 सीटों पर आखिर क्या है फॉर्मूला, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर भी है लेकिन आधिकारिक ऐलान जल्द ही होगा। और अब बात दिल्ली से खबर की होगी। कांग्रेस ने आज अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। सुबह के 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है और देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले पार्टियां अपनी खबर कसते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस भी अपने कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, मैनिफेस्टो में इस बार क्या कुछ खासतौर पर रहने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी के मसले पर, करप्शन के मसले पर, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर बार बार कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में कई अहम फैसलों पर चर्चा होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होने वाली है और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक होने जा रही है। चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव सर पर है और ऐसे में कांग्रेस लगातार अपने दिग्गजों के साथ में मंथन करती हुई नजर आ रही है। आज की इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आने वाला है, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है। लेकिन इस बीच 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक होने जा रही है। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक को लेकर तमाम जो तैयारियां वो पहले से की जा चुकी है। कौन कौन सी रणनीतियां रहने वाली हैं, किस तरीके से जो नाराज नेता है उनको साथ लाने की कोशिश होगी, किस तरीके से अब सीट शेयरिंग के बाद में जो और कहीं कहीं नाराजगी नजर आ रही है उसको कैसे दूर किया जाएगा, कई अहम मसलों पर आज चर्चा होने जा रही है।
देखिए, एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होनी है। आज दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु की सीटों पर इस बैठक में मंथन होगा। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रत्याशियों पर भी इसमें चर्चा होगी। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आधिकारिक ऐलान भी संभव है। तो आज का दिन बहुत खास है कांग्रेस के लिहाज से भी। सीडब्ल्यूसी सीईसी दोनों ही बैठक आज होने वाली है। अगर हम बात करें कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो कि 3:30 बजे होगी, और इस बैठक में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित तमाम जो राज्यों के प्रत्याशी हैं उन पर चर्चा होगी, उनके नामों पर मंथन होगा। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आधिकारिक ऐलान भी इस बैठक के बाद हो जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जो कि कभी भी आ सकती है, और ऐसे में अब मंथन का दौर लगातार जारी है, जो फाइनल मुहर है वो बस लगना बाकी है, आधिकारिक घोषणा बाकी है। पूरा मंथन हो चुका है, नाम लगभग तय हो चुके हैं, और अब इस बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा भी संभव है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का आज होगा चुनाव। ऐसे में विधान परिषद की 13 खाली होने वाली सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। 5 मई को 13 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और आज होने वाला चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद यहाँ पर वापस मिल सकता है, उस लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम। तो आज फिलहाल ये चुनाव होने जा रहे हैं, यूपी विधान परिषद के ये चुनाव, जिसको लेकर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ये सपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले। यूपी विधान परिषद के सदस्यों का आज चुनाव होगा। विधान परिषद की 13 खाली सीटों के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं। 5 मई को 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, और उससे पहले ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, यूपी विधान परिषद के सदस्यों का आज चुनाव। और इस बीच सपा के लिए भी ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट का, और अखबारों में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हेडलाइंस के साथ ये हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप महाकुंभ की। स्टार्टअप महाकुंभ में युवाओं को मोदी मंत्र मिला। स्टार्टअप महाकुंभ में नेशन फर्स्ट का मंत्र दिया है। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हुआ। 3 दिवसीय ये समारोह था, और पीएम मोदी ने इस बाबत कहा कि पहले स्टार्टअप की शुरुआत चिंता पैसे को लेकर थी कि पैसा नहीं था, लेकिन आज बिना पैसे के बिजनेस संभव होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल युवाओं को यहाँ पर मोदी मंत्र दिया है अपने स्टार्टअप के लिए। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए कि युवाओं को आगे आना चाहिए, और पहले पैसों की जरूरत होती थी और आज बिना पैसों के ही बिजनेस किया जा सकता है। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेन लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की तीसरी सूची में कितने नाम। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल, कई राज्यों के बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने वाली है। बैठक के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की तीसरी सूची। तो देखिए, अभी तक 2 सूची आ चुकी है और अब तीसरी सूची की बारी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने सबसे पहले चुनाव की तारीखों से पहले ही इस बार अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अब जहां तीसरी सूची की बात हो रही है, वहां वो सीटें हैं जहां पर कुछ कुछ पेज फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर और ज़बरदस्त कैलकुलेशन के साथ ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। हालांकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और इस बैठक को लेकर चर्चाएं हैं कि ऑलमोस्ट नाम तय हो चुके हैं, और जल्द ही बीजेपी अपनी तीसरी सूची भी जारी करेगी। आपको याद है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में पहले ही तय हो चुका है। इसके अलावा जो और भी नए घटक दल इस वक्त एनडीए के साथ में जुड़ रहे हैं या एनडीए के कुनबे को बढ़ा रहे हैं, उनके साथ में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद में गठबंधन को कन्फर्म किया जा रहा है। तो ऐसे में तीसरी सूची अब बीजेपी की आने वाली है, और माना यह जा रहा है कि इस तीसरी सूची में युवाओं को भी और महिलाओं को मौका मिलने वाला है। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में एनडीए को मिलेगा क्या नया साथी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बुलाई है आज कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की बैठक।
एनडीए में जाने का इस बैठक के बाद ऐलान संभव है। दरअसल बीते दिनों अमित शाह से मुलाकात हुई थी राज ठाकरे की, और उसके बाद से ये कयास और भी ज्यादा तेज हो गए थे, और अब आज ये बैठक बुलाई जा रही है और इस बैठक के बाद उम्मीद है कि ऐलान संभव है। बड़ा सवाल यही लगातार बना हुआ है कि क्या एनडीए को अब एक और नया साथी मिलने वाला है, क्योंकि आज कार्यकर्ताओं की समर्थकों की बैठक है और ऐसे में अब अटकलें भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी जब से ये मुलाकात हुई थी अमित शाह की और राज ठाकरे की, और इसके बाद से जब एमएनएस चीफ ने ये बैठक बुलाई है तो अब उम्मीद है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान संभव है। और देखिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर करो, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहम बैठक बुलाई है। अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है और सभी सांसदों को बैठक में शामिल होने के लिए निर्देश भी यहां पर एकनाथ शिंदे के द्वारा दे दिए गए। कई बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है क्योंकि चुनाव बेहद निकट है। ऐसे में महाराष्ट्र से 48 सीटें लोकसभा में जाती हैं, उसको लेकर मंथन जहां एक तरफ जारी है, प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा की जा रही है, वहीं ये बैठक कई मायनों में खास। तमाम चुनावी ऐलान यहां पर किए जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे के द्वारा बैठक बुलाई गई है, सभी विधायक सांसद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बिहार से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं जिसका जिक्र आज अखबारों में किया गया। बिहार की राजनीति में इस वक्त दिलचस्प रंग देखने को मिल रहे हैं। हाजीपुर से अगर बात करें, चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, और आपको बता दें कि पिता रामविलास की परंपरागत सीट है हाजीपुर सीट, और इधर से ही चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। एलजेपी की बैठक में फिलहाल ये बड़ा फैसला किया गया, और इस मीटिंग के बाद वो कहते हुए नजर आए कि मैं हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाचा भी लड़ना चाहें तो वो भी लड़ें, उनका भी स्वागत है। आखिर क्या कहा है चिराग पासवान ने, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल स्वागत चिराग जी। देखिए मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया, ना मैं किसी चुनौती से कभी घबराया, ना कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, ये वादे ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे, ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई। और आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बीजेपी में शामिल हुई तमिलिसाई सुंदर राजन, 2 दिन पहले ही तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था, और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में निश्चित रूप से इस बार कमल खिलेगा। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे रहे, प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ कई सौगातें लेकर पहुंचे, चुनाव की तारीखों के बाद भी लगातार वहां पर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। बड़ी बात यह है कि लगातार आप चाहे तमिलनाडु की बात करें चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, ये वो खास तौर पर राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने अपने 400 पार के नारे को साकार रूप देने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। और इस बीच तमिलिसाई सुंदर राजन का बीजेपी में आना माना जा रहा है कि पार्टी को मजबूती देगा, और वो भी कमल खिलने के दावे करती हुई नजर आ रही है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा तय हो गया है। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो महाराष्ट्र में 19 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आज मुंबई में होगा औपचारिक इसका ऐलान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ये जानकारी दी है। तो काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी और बैठकों के बाद ये तय हुआ, 19 सीटें कांग्रेस को मिली और आज इसका औपचारिक ऐलान संभव है। एमवीए में सीट बंटवारा तय हो गया है, खुद नाना पटोले ने इसकी जानकारी दी। अगली खबर का रुख करते हैं, कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है, फाइनल हो चुकी है लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, और इस बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ साथ में बंगाल के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की तीसरी लिस्ट। कल देखिए, कल बैठकों का दौर जारी रहा, कांग्रेस के द्वारा लगातार CWC की बैठक, CEC की बैठक की जा रही है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी नेतृत्व करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के ऊपर मंथन किया गया है, फाइनल कर गए हैं कौन से कैंडिडेट्स किस सीट से उतारने हैं, और जल्द तीसरी सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते लालू परिवार से मिले अशोक महतो, पति के साथ लालू के परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आए। जब वो पहुंचे थे तो तब की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ पे आपको बुगे भी नजर आ रहा है। कल ही हुई है अशोक महतो की शादी और उसके बाद फिलहाल वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। ये भी आपको बता दें कि पति को चुनाव लड़वाना चाहते हैं अशोक महतो, मुंगेर लोकसभा सीट से दावेदारी करते हुए फिलहाल वो नजर आ रहे हैं।
तो देखिए शादी के बाद ही वो फिलहाल पहुंचे लालू यादव से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए। और चलिए आगे बढ़कर बात करेंगे 2024 के चुनाव की। तमाम पार्टियां पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी की है। 6 उम्मीदवारों के नाम इस बार घोषित किए हैं समाजवादी पार्टी ने। 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। गौतम बुद्ध नगर से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते को टिकट दिया। आपको हाल ही में याद भी होगा कि उनके निधन के बाद में उनके पोते के साथ में मुलाकात अखिलेश यादव की, और कई ट्वीट भी जब क्रॉस वोटिंग हुई थी उसमें आपको याद होगा कि खुद अखिलेश यादव ने इसको सराहा था कि शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बावजूद भी उनके पोते वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे थे अपना, और जब क्रॉस वोटिंग हो रही थी उसमें ऐसे लोगों पर तंज कसा जा रहा था जिन्होंने क्रॉस वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। ऐसे में उनके पोते पर पार्टी ने भरोसा जताया। शफीकुर रहमान बर्क की जगह उनके पोते को जगह दी गई है। गौतम बुद्ध नगर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। संभल से आप देख रहे हैं जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं बागपत की, तो बागपत से मनोज चौधरी को टिकट दिया है। गौतम बुद्ध नगर से इस बार राहुल अवाना को टिकट दिया गया है। और पीलीभीत की अगर बात करते हैं तो भगवत सरन गंगवार को, घोसी से राजीव राय को, मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया है पार्टी ने। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पप्पू कांग्रेस के साथ कितना मजबूत हाथ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जाप पार्टी के जो प्रमुख थे पप्पू यादव वो विलय हो चुके हैं कांग्रेस में। जनाधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कल ही मुलाकात हुई थी आरजेडी प्रमुख लालू यादव की, जाप प्रमुख पप्पू यादव की, और उसके बाद से ही ये लगभग तय हो गया था कि उनका विलय हो सकता है। लालू तेजस्वी से डील फाइनल हो गई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विलय होते हुए कांग्रेस में पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जो कि अब कांग्रेस में विलय हो चुके हैं, ये बड़ी जानकारी है। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। और इस बीच कांग्रेस ने राजस्थान में 6 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, जानकारी मिल रही है। जयपुर शहर से सुनील शर्मा प्रत्याशी के तौर पर उतारे जाएंगे। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 12 और झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया को टिकट दिया जाएगा। वहीं दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा का नाम तय किया गया है कांग्रेस के द्वारा। बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट यहां पर देने की बात कही जा रही है। तो कांग्रेस ने फिलहाल मंथन कर लिया है, जैसलमेर से उम्मीदवार के तौर पर बेनीवाल को टिकट दिया जाएगा। बाड़मेर और जैसलमेर का हम जिक्र कर रहे हैं। और इस बीच राजस्थान में कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। बिल्कुल साक्षी, बाड़मेर जैसलमेर से उमेदाराम बेनीवाल को यहां पर टिकट मिलेगा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से कुलदीप इंदौरा होंगे उम्मीदवार। जल्द जारी हो सकते हैं ये तमाम नाम, फिलहाल जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही है। महिमा, बिल्कुल झारखंड की बात करते हैं और झारखंड में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जेएमएम की बात करें जामुमो 5 और आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। सूत्र बता रहे हैं झारखंड में सीपीआईएमएल को 1 सीट है। तो लगातार देखिए फॉर्मूला तय करने से पहले बैठकें होती हैं और इस बार भी बैठक जब हुई तो फिलहाल ये खबर मिल रही कि जेएमएम 5 आज दी 1 सीट पर, झारखंड में सीपीआईएमएल को 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल अपनी सीटों को लेकर यहां पर आश्वस्त नजर आ रही है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, ये सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। अखबारों में भी इसका जिक्र है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, पूर्व सांसद लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू के पूर्व बीजेपी नेता लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू के पूर्व बीजेपी नेता लाल सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चौधरी लाल सिंह उधमपुर सीट से 2 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा के कैंडिडेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ चौधरी लाल सिंह को मैदान में उतार सकती है। चौधरी लाल सिंह की कठुआ जिले में अच्छी राजनीतिक पकड़ है। लाल सिंह साल 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और बाद में पीडीपी बीजेपी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य भी किया। हालांकि कठुआ रेप केस पर विवाद के चलते लाल सिंह को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब सांसद दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से देखिए नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ जहाँ कश्मीर का वो एक जम्मू कश्मीर का आपने वो अपडेट देखा और दूसरा अन्य राज्यों के अंदर भी इस तरीके से नेताओं के कांग्रेस में आने का सिलसिला, कुछ नेताओं के बीजेपी में जाने का सिलसिला, अलग अलग पार्टियों का इधर से उधर नेताओं के जाने का जो सिलसिला है वो चुनाव के कारण शुरू हो जाता है और इस बार भी कुछ यही देखने को मिला।
तो देखिए लगातार जो दल बदल की राजनीति है वो लगातार हो रही है। उधर सांसद दानिश अली भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीएसपी के पूर्व नेता हैं दानिश अली, कांग्रेस में जो शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिलाई है सदस्यता, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 9 दिसंबर 2023 को मायावती ने पार्टी से निलंबित किया था और उसके बाद अब ये कांग्रेस का दामन थामते हुए और पवन खेड़ा उनको सदस्यता दिलाते हुए, तो लगातार जो नामों की लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। 9 दिसंबर 2023 को बीएसपी ने दानिश अली को निलंबित किया था और उसके बाद अब कांग्रेस का दामन थामते हुए। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव को भी हमने आपको दिखाया था, आज जाप प्रमुख जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए, पवन खेड़ा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इसके बाद दानिश अली को आप देख सकते हैं। तो एक के बाद एक तमाम जो लोग हैं वो दल बदल की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव बहुत पास है और ऐसे में जिसको जहां अपना फ़ायदा दिख रहा है वो वहां पर जा रहा है। और इसी लिस्ट में एक और नाम अब जुड़ गया है दानिश अली का, जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पवन खेड़ा उनको सदस्यता दिलाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपको याद होगा विवाद हुआ था उसके बाद 9 दिसंबर को मायावती ने अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद अब बीएसपी के जो पूर्व नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल होते हैं।